फाइनली दे आर गोइंग इन, पत्थर का इस्तेमाल करते हुए दोनों के दोनों प्लेयर्स को नॉक करने में कामयाब क्या रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन टीम एक्स जनरेशन के प्लेयर वापस से अपनी कारकर्दगी के नाम पर दोनों ही प्लेयर्स इस वक्त का इस्तेमाल करते हुए कोशिश कर रहे हैं सर्वाइव करने की। क्या नॉकडाउन कर पाएंगे, क्या नॉक कर पाएंगे, नॉक करने में कामयाब रहेंगे। एचपी भी ज्यादा लो, टीम सेवन ही लेकर जाने वाली है, लेकिन आर3 जी के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं। एक किल है उनके पास, लेकिन टीम H2E के प्लेयर्स नॉक करने में मजबूर। टीम H2E के ड्रेड अकेले खिलाड़ी और टार्जन को अब रिवाइव देना काफी मुश्किल है, लेकिन स्मोक्स उन्होंने फेंक दिए हैं। लेकिन बैक एंड पर क्या हो रहा है, टीम फ्री स्टाइल भी आगे बढ़ना चाहती है। जिब्यान थोड़ी बहुत बुलेट्स दागते जरूर है, लेकिन रुक जाते हैं, फ्री फायर नहीं दे पाते। उनको अंदाजा नहीं था कि यहां से भी प्लेयर आ सकते हैं, और अब अकेले कौन लेकर जाएगा बाजी, और जंप शॉट को हवा में ही फेंका जाता है पीछे, ड्रॉप शॉट आगे बढ़ेंगे, ही गेट स्पॉटेड, काफी डैमेज, मैच से बाहर भेजा जाएगा। नॉलेज खुद के पास एडवांटेज था सारी फाइट के अंदर, ऑलरेडी आर3 को आप देखेंगे वो अपने दो प्लेयर्स गवा, देयर यू गो, सरप्राइजिंग फैक्टर बनते हैं, डैमेज देने की कोशिश टफ को, थॉर को नॉक किया गया, कमबैक अभी भी नॉक्ड आउट है, एडगर जो है वो यहाँ पर पीछे जा चुके हैं, एंड एडगर को की जाएगी 3x के प्लेयर्स की तरफ से, मोमतू सामने मौजूद हैं, इट्स अ 1v2 सिचुएशन, दे आर पुशिंग फॉरवर्ड, ब्लू जोन का प्रेशर है, मोमतू एक प्लेयर